तो भाई मंडे 29th में अभी आ चुके हैं। ये देखो गेट खुलने की तैयारी है, पब्लिक आज कम लग रही है बहुत। तो भाई मंडे 29th of May एंट्री यहाँ से शुरू हो चुकी है। जिनकी जिनके पास सभी टिकट्स है उनको अलाउ किया जा रहा है, यहाँ पे पुलिस चेक कर रही है उनको अलाउ किया जा रहा है। तो चलो अभी अंदर चलते हैं यहाँ से। तो भाई कल संडे का आपने व्लॉग देखा होगा, तो यहाँ पे है ना चार पोस्टर थे, लखनऊ का, मुंबई इंडियंस, गुजरात और CSK का। वो सारे पोस्टर उड़ चुके हैं पूरे तूफ़ान में। इतना बड़ा तूफान था कल, इतनी बारिश हुई है ना भाई, सारा मूड किरकिरा कर दिया, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई। चलो यहाँ से अभी स्वैप करवा के अंदर चलते हैं। तो भाई स्वैपिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ये देखो अभी यहाँ से स्वैपिंग शुरू होगा, यहाँ से एंट्री करते हैं ये भाई से। चलो स्वैप करते हैं अभी। ओके दूर रख, थोड़ा दूर रख, दूर नहीं अडर नहीं बटलू राख जो। चलो थैंक यू। चलो भाई चलते ऊपर। फाइनल में सबसे बुरा एक्सपीरियंस कल हुआ था। एक्चुअली इस फाइल में पता नहीं क्या पनौती सी लगी हुई है, बुकिंग के टाइम पे भी प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद फिजिकल टिकट लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और उसके बाद इसी की कमी थी। बारिश भी ऐसी आई जिसने मैच होने ही नहीं दिया भाई। बहुत हज़ारों लोग जा चुके हैं बिना मैच देखे, उसी का बहुत दुख है। उसमें मेरा एक दोस्त भी है, पुणे से आया था बेचारा, फर्स्ट टाइम देखने के लिए आया था, वो भी चला गया क्योंकि उसकी फ़्लाइट थी 3 बजे। तो ऐसे हज़ारों लोग हैं जो आज आ नहीं पाएंगे। आई होप कि आज मैच कंप्लीट हो जाए। चलो अभी आगे चलते हैं। तो भाई मैं नेटवर्क, चलो एंट्री कर लेते हैं अभी यहाँ से। थैंक यू। तो भाई आपने देखा कि टिकट को कितना डिटेल में चेक कर रहा है, क्योंकि आपकी टिकट है ना वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, वो अच्छे से इंटैक्ट होनी चाहिए, और जिसमें स्कैन हो और आपकी सीट डिटेल हो, क्योंकि आपके इस टिकट से कोई भी फ़ोटो वगैरह लेकर भी एंट्री कर सकता है। तो वो सब रोकने के लिए आज ज़्यादा सिक्योरिटी रखी है, क्योंकि ऐसा कोई स्कैम ना हो जाए। अभी तो ग्राउंड में कोई आया नहीं है। ये देखो ग्राउंड का अभी सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ। मैं जल्दी आ गया क्योंकि बाद में बहुत भीड़ होती है। ये देखो, आई होप आज सनी डे है और मैच पूरा देखने को मिले और मज़ा आए मैच देखने का। तो भाई ग्राउंड पूरा ड्राई हो चुका है और चमक रहा है बिल्कुल ग्रीन। और देखो यहाँ पे ये जो पट्टी है जहाँ पे खेला जाता है वो भी एकदम क्लीन लग रही है। तो ग्राउंड तो बिल्कुल मस्त लग रहा है। पिछली रात तो यहाँ पे पूरा लबालब पानी भरा हुआ था पूरे ग्राउंड में। आपने पिछली व्लॉग ना देखी हो तो वो देख लेना। तो भाई होप है कि मैच हो जाएगा आज और बारिश वारिश कुछ आएगा नहीं और मज़ा आ जाएगा। चलो अंदर चलते हैं अभी। लो मैडम थैंक यू। तो भाई ग्राउंड में आ चुके हैं, ये ग्राउंड पूरा रेडी है, लोग आ रहे हैं अभी धीरे धीरे क्योंकि कल से थके हुए थे। मुझे भी घर जाने में बहुत देर हुई थी, 1:30 बज गया था पहुंचने में, क्योंकि हर जगह पे वाटर लॉगिंग हुआ था और थोड़ा सा डरावना सा माहौल हो गया था, क्योंकि रास्ते भी बंद हो गए थे और ब्रिजेस भी क्लोज हो गए थे वाटर लॉगिंग की वजह से। तो 1:30 बज गया था मुझे भी घर जाने के लिए। बहुत सारे लोग तो बेचारे आएंगे भी नहीं आज, हज़ारों लोग नहीं आएंगे, कल तो भीड़ हो गई थी इस टाइम पर। खैर अभी क्या कर सकते हैं इस पर। चलो आगे यहाँ पर बैठते हैं, अभी थोड़ी देर छाँव में बैठेंगे। केविन पीटरसन, इरफान पठान, सुनील गावस्कर, और ये लेडी कौन है, श्रीकांत जी, ये लेडी कौन है मुझे नहीं पता, कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी ये जा रहे हैं कप की तरफ, कप का रखा है यहाँ पे, ये रखा जिसके लिए पूरी लड़ाई चल रही है। तो भाई ये देखो, ये कप है जिसके लिए आज होने वाला है फाइनल। पता नहीं ये कप किसका होने वाला है। ये देखो ये उसका बेस है और ये कप रखने के लिए लेकर जा रहे हैं यहाँ से।
भाई मोहित भाई। Shami, 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 Shami.